हमको इंटरव्यू नहीं देना, संविधान ये कहता है। कोई अगर नहीं बोलना चाहे तो आप उससे जबरी बोलवा भी नहीं सकते हैं। बोलने का अधिकार हमको है, नहीं बोलने का अधिकार। कोई भी अगर आदमी आपको डांट करके बोले, आपके मन में डर भर दे, तो आप वहाँ पर ठहरिएगा। अब भाई हमको आराम से रहने भी नहीं दे, वीडियो बंद करके माइक मुँह मन में ऐसे ही से करता आ, जब क्या करता उठते तो हमको बैठा। तो इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा कि क्यों सोनू सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहता है, क्यों चाहता है सोनू कि उसका सिमंतला में एडमिशन हो जाए, क्यों चाहता है सोनू कि उसका नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाए। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। सरकार जो व्यवस्था की है गरीबों के लिए, मध्यम वर्गियों के लिए, वो सरकारी स्कूल। अब तुम्हारा लक्ष्य है कि हमको सरकार उपलब्ध करा दे, तो तुम्हारे जैसे जैसे बहुत से बच्चे हैं, कितना को सरकार प्राइवेट स्कूल में देगी। सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, पाँचवा क्लास का तुम पास कर इन सब करोगे ना, इन्हीं साल में पास करोगे 2022 में, तो तुम्हारे लिए खुला हुआ है। नेत्रहाट है, सैनिक स्कूल है, फिर इसके बाद में सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय है। तो देखा आपने कि कैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी सोनू को कन्विंस कर रहे हैं कि तुम्हारा एडमिशन किसी सरकारी संस्थान में अगर होगा तो सरकार के लिए आसान होगा। सोनू फिर भी जिद पर अड़ा हुआ है कि इसका एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में हो जाए, क्योंकि इसके दिमाग में सेट है कि प्राइवेट स्कूल अच्छा पढ़ाता है और वहीं से लोग जो बच्चे पढ़ते हैं उसको शिक्षा अच्छी मिलती है। इस पर इसने बहस भी किया और उससे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और बच्चा क्या करता है। आपके पोता है? नहीं, पोता नहीं। आपके बेटे हैं? हाँ। वो सरकारी स्कूल में पढ़े थे? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। वो अभी क्या चीज, कौन सा काम है? क्या काम? बैंक में मैनेजर है। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। उनका भी शादी नहीं हुई? शादी हो गया है। अरे नहीं हुआ है अभी। सर देखो, दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, सरस्वती शिशु मंदिर या सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल का जो होता है ना, उसका अलग रेगुलर है, वो सेंट्रल स्कूल, तो उसमें हो सकता है कि तुमसे साक्षात्कार ले, इंटरव्यू एडमिशन एडमिशन के बाद। आप कौन सा स्कूल बनाते हैं? सैनिक वाला। ठीक है, इसमें टिक लगा दीजिए, सैनिक में टिक लगा। सैनिक स्कूल। और वहाँ पर मैंने हेट का अगर कोई इन्होंने करा क्या हेट में? अरे उसमें बहुत 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 बढ़िया स्कूल, देश का नंबर वन। पहले इसको घुमा दीजिए सर उस स्कूल में। नहीं। अरे बेटा उसमें वहाँ घूमना भी बहुत टफ है, आम बच्चे का घूमने आम बच्चे का उसमें एडमिशन ही नहीं होता है। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कंपटीशन देला के बाद होता है उसमें। ठीक है, सही है। तो देखा आपने, यहाँ तक तो बात आपने देख लिया, लेकिन अब जब कई लोग आ रहे हैं खखोर खखोर के बच्चे से ये पूछ रहे कि तुम राजनीति कर रहे हो, तो ये पहले क्यों नहीं सोचता है कि 11 साल का सोनू है, ये राजनीति क्या करेगा, ये तो बस पढ़ना चाहता है और मुख्यमंत्री से इसलिए मिलने के लिए गया कि भाई हम पढ़ना चाह रहे हैं और हमारा सक्षम आदमी यही है जो हमारा एडमिशन कहीं करवा सकता है। यही बात था सोनू या कोई और बात था? यही बात था। तो तुम पहले जिद किए कि हमारा सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तुम्हें ऑप्शन दिया था? हम बोले थे, हमको उसमें पता नहीं था कि ये सैनिक होता है नवोदय होता है। तो हमने बोला कि सर हमको सैनिक या तो सिमुरतल्ला में एडमिशन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दे दो। तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट स्कूल में मेरा बस नहीं चलता है, चलिए मेरा मने अधिकार नहीं चलता है। तो उसके बाद बोले चलिए भाई आपका कौन सा स्कूल है, तो बताएं सैनिक सिमुरतल्ला नवोदय। हम बोले चलिए सैनिक और सिमुरतल्ला को चुन लेते हैं। कई लोग थे उस दिन बैठे हुए और तुमने पूछा भी था कि इनमें से अच्छा कौन होता है, इधर गांव के लोगों की तरफ घूम के, तो सबने कहा कि सैनिक सबसे बढ़िया है, इसके बाद ये चारों स्कूल भी अच्छा है, यही था ना उस दिन शायद। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब DDC साहब के ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं एक साल के लिए तुम सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ लो, उसके बाद कहानी को। उसके बाद क्या होता है कि सरस्वती शिशु मंदिर में इसके एडमिशन के लिए जिला प्रशासन इसको बोलता है, जहाँ एक साल के लिए, जहाँ फीस लगता है और यहाँ से दूर तो है ही लेकिन फीस लगता है, और उसका फीस कौन देगा ये उन्होंने क्लियर भी नहीं किया। और बच्चे को पहले ऑप्शन दे के गए कि सिमुरतल्ला या इन सब स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, और ये भी पूछा गया कि तुम्हारा एंट्रेंस हो सकता है, वहाँ साक्षात्कार होगा, तो मुझे उसे वो देना भी पड़ेगा। तो सोनू ने कहा कि हम उसके लिए भी तैयार हैं, यही बात हुआ था ना बेटा। फिर जो कई चैनल आए और खखोर खखोर के सोनू से सिर्फ व्यूज़ के लिए सवाल पूछते गए,
किसी ने ये नहीं कहा कि अगर ये बच्चा पढ़ना चाह रहा है, सिर्फ इसका ये मांग है जो इसका मूलभूत अधिकार है। और इस पर कई वीडियोस हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि सोनू राजनीति कर रहा है, सोनू अड़ा हुआ है, सोनू चाहता कि उसके लिए देश का नियम बदल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सोनू को ये ऑप्शन राज्य सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा ही आया था और इसलिए इन सब चीज़ों को देख करके आज हम यहाँ तक पहुँचे और आपको इन सब चीज़ों पर क्लियरेंस देना चाहते हैं कि इस बच्चे को बेवजह बदनाम किया जा रहा है, बच्चा सिर्फ पढ़ना चाहता है। हमने कई बार देखा है कि लोग पटना जाते हैं और वहाँ से खिलाड़ी वापस आते हैं क्योंकि स्पॉन्सर करने वाले जो लोग हैं वो बाद में मुकर जाते हैं। इसको लेकर के सबने कहा कि सरकारी स्कूल में अगर इसका नामांकन हो जाए तो ऐसे में ये बच्चा कम से कम 12th तक पढ़ लेगा, 12th तक बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर ये अपना रास्ता खुद चुनेगा कि कहाँ तक जाएगा। क्या यही बात था ना सर, आप चाचा हैं उसके? हाँ, बात तो यही था समय कि जिला शिक्षा पदाधिकारी आए और उन्होंने ही अपने ऑप्शन को चुनाव किए हैं, उसी के अनुसार बच्चा मांग आज तक करते आ रहा है। लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, उस पर कोई निष्कर्ष आज तक नहीं हो पाया, जो उस पर कोई आश्वासन पर कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ और यही कह रहे हैं। तो पर 3 दिन पहले एक पत्रकार पहुँचे यहाँ। अरे भाई, पत्रकारिता में एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ाया जाता है। अगर इस बच्चे से आप जोर जोर से सवाल पूछ लेते हैं तो राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं या जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो आज तक ये जहमत नहीं उठा पाए कि बच्चे का नामांकन कहाँ हो जाए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, उनसे इतने तेज़ आवाज़ में अगर आप सवाल पूछ लेते तो हो सकता था सोनू का कुछ भला हो जाता। क्या तुम्हें अच्छा लगा? नहीं। क्या हम उसको बार बार बोल रहे थे आराम से संभल करिए, जिससे कोई भी अगर आदमी आपको डांट करके बोले, आपके मन में डर भर दे, तो आप वहाँ पर ठहरिएगा? एकदम नहीं ठहरेंगे उसी प्रकार वो। अब भाई हमको आराम से रहने भी नहीं थे, वीडियो बंद करके माइक मुँह मन में ऐसे ही से करता था। जब क्या करता, उठते तो हमको बैठाते, हमको इंटरव्यू नहीं देना, संविधान ये कहता है कि कोई अगर नहीं बोलना चाहे तो आप उससे जबड़ी बोलवा भी नहीं सकते हैं, बोलने का अधिकार हमको है, नहीं बोलने का अधिकार भी। ये मौलिक अधिकार बोलते हैं बेटा इसको, हमारा मौलिक अधिकार है कि मेरी इच्छा होगी तो हम किसी से बात करेंगे और इच्छा नहीं होगी तो नहीं बात करेंगे। हाँ बताइए। वो बोलता है कि तुम बिहार को बदनाम के लिए। बिहार के बदनाम हम कहाँ, बिहार के बदनाम नहीं हुआ, बिहार के नाम अब आओ ऊपर गया, समझे? कैसे ऊपर गया? ऊपर किसे नहीं गया, ये बिहार के लोग, भारत के लोग उतना भर नहीं जानते थे, नालंदा के नहीं जानते थे, आज वो जानने लगे। नालंदा को तो पूरा विश्व जानता है बेटा। हाँ, तो निमाकोल के नहीं ना जानते थे। अच्छा, निमाकोल को नहीं जानते थे, निमाकोल को जानने लगे और सोनू को जानने लगे। देखिए, नालंदा वो धरती है जो विश्व पटल पर अपनी ज्ञान की रोशनी फैला चुका है, उसी पटल से ये बच्चा आता है। तो ऐसे में अगर इसमें लगन है कि हमको पढ़ना है, उसके लिए अगर वो कहीं भी अपने अधिकार को ले, सबसे बड़ी बात ये है कि 11 साल का ये बच्चा मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं और हमारे पढ़ाई का व्यवस्था करा दीजिए। क्या कोई यदि सरकारी स्कूल में नामांकन हो जाता है, जैसे सिमतल्ला हो या सैनिक हो, तो उसमें 12th तक कम से कम उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाएगा, किसी के अधीन नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार का चीज़ है, सरकार पढ़ा देगी। रही बात इसके, कई लोग चलाते हैं इसके करोड़पति है सोनू, सोनू करोड़पति है क्या? नहीं। क्या सोनू करोड़पति है या नहीं, उसका एक वीडियो हमने बनाया। सोनू के मम्मी के पास आधार कार्ड नहीं था, है ना? गरीबी रेखा का कार्ड पिताजी का बना हुआ है? नहीं बना, कुछ नहीं बना। तुम्हें मीडिया परेशान कर रही है और तुमने एक जो है वो कल देखा किसी को, तुमने एक बॉन्ड पेपर रखा था, उस पर साइन करवाया था, वो क्या था? वो एक लिखित था। क्या? जिससे कि मैंने जो है कोई अटपटा सवाल ना कर सके। अच्छा, अगर कर कोई राजनीति से सवाल ना कर सके। और कर देगा तो? कर लेगा तो वो थाना में जाएगा। अच्छा, थाना में कंप्लेन करोगे उसका? तो एक देखिए, अगर सोनू के पास कोई आना चाहते, देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म अब सोनू भरवाता है उससे कि कोई अटपटा सवाल अगर आपने पूछा तो उसकी शिकायत लेके ये थानेदार के पास पहुंच जाएगा, हो सकता है मुख्यमंत्री के पास भी पहुंच जाए, है ना? अच्छा, जनता दरबार जाने की बात कह रहे थे तुम, उसका क्या हुआ? जनता दरबार जाना चाह रहे थे आप लोग, समय मिला क्या? अच्छा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जनता दरबार में जाकर बच्चा क्या करेगा, मुख्यमंत्री तो मिल ही चुका है। हाँ। तो दोबारा जाने की क्या आवश्यकता? हाँ, सही बात है। कितनी बार मिलेगा
दोबारा जाने का कैंसिल कर दिए दोबारा। तो दूसरा एक बात बताइए, अब एडमिशन के लिए कुछ डिसाइड डिसीजन हुआ आप लोगों का या ऑप्शंस जो आए उसमें से एक विचार बाकी है? देखिए एडमिशन के लिए प्रोसेस में है, उस पर विचार विमर्श कर लिया गया है, बहुत जल्द ही नामांकन ले लिया जाएगा। डिसीजन इन लोगों हो गया है और जल्दी ही नामांकन हो जाएगा। नामांकन होगा तो आपको उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। हाँ, एक वीडियो हमने देखा जिसमें तुम एक यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहे थे, वो तुम्हारा चैनल है किसी और का? देखिए IAS_ सोनू नालंदा, ये मेरा है। हाँ। सोनू नालंदा, बोनू नालंदा, इस पर मेरा नहीं, बाकी जो चैनल है वो सब फर्जी बना रहे, वो सब झूठ। समझ ली, इनके नाम पर कई चैनल बन गया है जो है इसी के। मेरे चैनल का नाम है IAS_ सोनू नालंदा। हाँ, उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। इसी तरह के और वीडियोज को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोनू को बहुत सारा प्यार दीजिए। क्या सोनू? जय हिंद।